फाइट कोरोना फ्रूट सीरीज के 130th एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मैं तेजपाल, आज आपको बहुत पुराना एक सॉन्ग है, आधा है चंद्रमा रात आधी, इसका ट्यूटोरियल देने जा रहा हूं। इसमें जो स्वर लग रहे हैं वो तीनों सप्तक के लग रहे हैं। मंद्र सप्तक का सिर्फ नी लग रहा है, बाकी रे ग ध नी ये मध्य सप्तक के हो गए, और हाइएस्ट ऑक्टेव के तार सप्तक जिसे हिंदी में कहा जाता है उसके रे और ग, इनको मैं किस तरह से दर्शाता हूँ नोटेशन में आप लोगों को पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जो स्मॉल लेटर्स में है वो आपको मंद्र सप्तक के स्वर है, जो कैपिटल लेटर्स में मध्य सप्तक के, और उसके आगे अगर प्लस लगा दिया तो वो बन जाता है तार सप्तक का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसको नोटेशन देख सकते हैं। अच्छा, ये डी शार्प का इसका स्केल है और मैं इसको डी शार्प फ्लूट पे इस गाने को निकाल रहा हूँ। होप आप लोगों को पसंद आएगा। एक मुकड़ा एक अंतरा, बस दैट्स ऑल, उसी में पूरा गाना कंप्लीट है। पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। पहली लाइन को भी दो हिस्से में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट पोर्शन इज आधा है चंद्रमा नी नी ग गरे गरे, ठीक है, और ग जब आएगा तो मैं हल्के से गमा गा कर रहा हूं, देखिएगा कैसे बजा रहा हूं। नी को ग से पहले तो मीन के साथ खींचना है, देखो चंद्रमा, मौ आपको बहुत हल्का सा पता भी नहीं चलेगा देखने से, आधा है रात आधी। नी से शुरू किया था मंद्र सप्तक के, ठीक है, फिर हमने रेगा यूज किया, बस नी रेगा 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 में ही पूरा खेल है, हल्का सा मौका टच, और वापस हम नी पे आ गए। नी से शुरू किया था, नी पे वापस आ गए और हमारी फर्स्ट लाइन पूरी हो गई। आधा है चंद्रमा रात आधी। अच्छा, रात में देखिए आप जब आप ग कर रहे हो तो एक रे का ये थपकी मारना पड़ेगा ऐसे, इसको बोलते हैं कर्ण स्वर, जब आप ग बजा रहे हो लेकिन रे को बीच में ऐसे कर रहे हो, है रात आधी। रात आ देखो रात आधी आ में आ रहे हैं, रात आधी, इससे क्या है थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ जाती है, अलंकार है बेसिकली। फिर नेक्स्ट लाइन, रह न जाए तेरी मेरी, अभी नी मंद्र सप्तक का था, अब नी जो है मध्य सप्तक का हो गया, थोड़ा सा इस मंद्र से ऊपर सेकंड सप्तक जो है वो मध्य सप्तक है, अब यहां पे आ जाएगा। अब नी की देखो आवाज थोड़ा सा बढ़ गई है, नी 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 धा, ये भी सीखिए, ये आना चाहिए आपको, इन दोनों उंगलियों को हरकत इसकी प्रैक्टिस करो, ये भी थोड़ा खूबसूरती लाता है कई जगह पर है। रह न जाए तेरी तेरी मेरी तेरी, इसमें मैं ये करूंगा है, ठीक है, रह न जाए तेरी मेरी, री जो है ग पे आ जाएगा, ग तक इसको लाना है, नी 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 ध प ध ध प ग ग, रात रात तेरी मेरी बात, कप गरे गरे गा बात आधी मुलाकात आधी। देखो फिर से मैंने ये कर्ण स्वर बजाया, ग बजा रहा हूं लेकिन रे को, हाँ, मुलाकात आधी
रेनी आधी में, ये बजा दो ठीक है। गाँव में हल्का सा माँ का टच दे दिया, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो माँ का टच मत दीजिए, सिंपल गाँव भी बजा सकते हैं। ओके, अब इसको रिपीट करना है और फिर एक लाइन आता है इसमें, आधा है चंद्रमा, ये भी बहुत खूबसूरत है। नी ग रे ग प ध प ग, प ग लास्ट में वीण के साथ। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, पौधा पौगा। जब आप प ये वाले प करते हो तो इस उंगली को अगर आप उठा दोगे तो आपको खींचने में इसको आसानी होगा, और फिर गौ बजाने में सारा उठा के इसको दबा दीजिएगा। देखो जब मैं ये प आ रहा हूं सेकंड टाइम तो ये उठ रही है, ठीक है। तो इसके साथ ही मुखा खत्म होता है। दोस्तों ये फ्लूट जो मेरा ये कोशिश है, ये बिगिनर्स को बहुत सरल तरीके से समझाने का मेरा प्रयास है, और मैं चाहता हूं कि आप हर गाने में मेहनत करें। आपको बेसिकली सरगम का बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, और अगर आपने सरगम का प्रैक्टिस अच्छा किया है, मेरे बेसिक ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो, और आपने कोई भी गाना नहीं निकाला है, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप इस गाने को फर्स्ट टाइम में आप निकाल लोगे, एक दिन के अंदर ही आप निकाल सकते हो अगर आपने अलंकार। दोस्तों मुखड़ा की जो पहली लाइन है, पिया आधी है प्यार की भाषा, इसमें क्या है, आपको हाईएस्ट ऑक्टेव का रे लग रहा है, ठीक है। तो वहां पे ध्यान रखिए जब मैं रे बजाता हूं, और जब मैं ध बजाऊंगा तो उसको धनी धा करूंगा, तो थोड़ा सा मेलोडी अच्छा हो जाएगा। देखो, पिया आधी है निधा नी रे रे नी, नी धा नी रे रे नी। प्यार की, सॉरी मैं पूरे बता दिया, ठीक है। नी धा नी रे रे नी, ठीक है। पिया आधी है प्यार की भाषा, अब प्यार की भाषा में ध लगेगा, ध ध को धनी ध कर दीजिए, धनी ध, ठीक है। प ध, प्यार की भाषा, पूरा देखिए। भाषा ये मींड के साथ, मींड होता है ऐसे ग्लाइड करते हुए उठाना इसको। और ये जो मैंने ध को धनी ध किया, ये इसको बोलते हैं गमक। आधी रहने दो। अब मैं प का टच लेते हुए ग उठाऊंगा, रे ग ग, तो प को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ताकि आप इसमें पाँव में ज्यादा टाइम ना लगाए। ठीक ग, मन की अभिलाषा, पूरा सुनिए। मन की, ग से ही पॉल आना है, मन की अभिलाषा, ध को धनी ध कर सकते हो, ठीक है, और नहीं भी करोगे तो चलेगा। मन की अभिलाषा, प को पौधा प, पौ। आधे छल के नयन, गगरे गरे नी, गगरे गगरे नी,
और ये रिपीट होगा आधे हल्के छलके नयन, ठीक है। अभी पलकों में भी है, अब जो लास्ट लाइन है, अभी अभी पलकों, अभी एकदम ग में आपने जाना है, हाईएस्ट ऑक्टेव के ग, और फिर रे नी ध प ध प ग तक वापस आ जाओगे पिछले वाले ग में, ठीक है। और फिर वो कनेक्ट हो जाएगा आपका आधा है चंद्रमा। तो लास्ट लाइन पे थोड़ा सा और आप ध्यान दीजिएगा, अभी पलकों में, निध नी ग रे नी ध, मुलाकात बरसात आदि। प ध प ग, बर बरसात आधी, यहां पे ऐसे कुछ करके ग पे वापरना है, बरसात इसको गमा गा करके, ठीक है दोस्तों। फिर वो आप दोबारा से उस पर जाओगे। तो ये बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी आप इसको सीख सकते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी फ्लूटिंग।